हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय क्लास इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रेड वन सब्जेक्ट इंग्लिश बुक मेरी गोल्ड एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आनंदीज रेनबो बच्चों आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में हम आनंदीज रेनबो जो कि क्लास वन का एक चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे लेकिन जल्दी से पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो चलिए आपका चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं आनंद रेनबो अब रेनबो क्या होता है देखो पिक्चर में ये होता है रेनबो आप लोगों ने देखा होगा जब बारिश और धूप एक साथ पड़ती है तब आपके रेनबो की फॉर्मेशन होती है अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग को एक काम करना है रेनबो के जितने भी कलर्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन चैट बॉक्स में लिखनी है यानी कॉमेंट सेक्शन में लिखनी है अब देखिए चैप्टर इट वॉज रेनिंग आउटसाइड इट बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए यूज होता है इट वॉज रेनिंग आउटसाइड आउटसाइड का मतलब होता है बाहर बाहर क्या हो रही है बारिश हो रही है रेनिंग मतलब होता है रेन मतलब बारिश इट वॉज रेनिंग आउटसाइड बाहर क्या हो रही है बारिश हो रही है आनंदी वॉज फास्ट स्लीप ड्रीमिंग ऑफ रेनबोज आनंदी यहाँ पे एक बच्ची का नाम है आनंदी वॉज फास्ट स्लीप फास्ट स्लीप का मतलब होता है बहुत तेज नींद में मतलब बहुत गहरी नींद में ड्रीमिंग ऑफ रेनबोज और वो बहुत ज्यादा गहरी नींद में किसके सपने देख रही थी ड्रीमिंग मतलब सपने देखना किसके रेनबोज के इंद्रधनुष के शी वो कप टू लुक आउट ऑफ हर विंडो वो कब होता है उठना शी यहाँ पे वो गर्ल है इसलिए शी यूज किया गया है आनंदी के लिए हर विंडो लुक आउट मतलब होता है बाहर देखना वो उठी और उसने अपनी विंडो यानी खिड़की से बाहर देखा देर वॉज अट रेनबो एक्रॉस अ क्लियर ब्लू स्काई वहां पे एक बहुत बड़ा ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा और एक मतलब होता है आर पार और क्लियर मतलब होता है साफ वहाँ पे क्या था एक बहुत बड़ा चमकता हुआ ब्राइट यानी चमकता हुआ रेनबो था और एक, रोस, एक रोस मतलब होता है जब हम किसी चीज़ का आर से पार करते जैसे बच्चों आप कभी रोड पे चलते होंगे तो एक साइड से दूसरी साइड को जाना हम उसे यूज करते हैं तो रेनबो जब फॉर्मेशन होती है एक साइड से दूसरी साइड तक की तो अक्लियर ब्लू स्काई और जो आसमान था वो पूरा नीला था आनंदी ran out to the garden with Milly, her favorite cat. आनंदी फटाफट से उठी ran out मतलब बाहर को भागना और बाहर भागी कहाँ गार्डन में गार्डन यानी बगीचे में किसके साथ Milly के साथ और Milly कौन है उसकी फेवरेट कैट का नाम है बिल्ली का नाम है आनंदी loved to draw and paint. आनंदी को क्या पसंद था उसको ड्रॉ करना पसंद था और उसे पेंट करना पसंद था जैसे आप लोगों को भी drawing बहुत पसंद आती होगी टुडे शी वांटेड टू पेंट द फ्लावर्स ऑफ हर गार्डन विद द कलर्स ऑफ द रेनबो आज वो क्या करना चाहती थी उसके गार्डन पे जो फ्लावर्स थे उनको वो रेनबो में जो कलर्स होते हैं उनकी तरह पेंट करना चाहती थी शी कलर्ड वन फ्लावर विद द वायलेट एंड अनदो विद द इंडिगो ऑफ द रेनबो उसने क्या करा उसने एक फ्लावर को वायलेट करा बैगनी करा और दूसरे फ्लावर को इंडिगो फॉर्म में करा जो हल्का सा ब्लू जैसा होता है रेनबो के उससे एंड वन विद द ब्लू एंड लीव्स विद द ग्रीन स्टूडेंट इंडिगो और ब्लू दोनों अलग कलर्स हैं दोनों अलग ब्लू शेड्स में होते हैं आप उसमें कन्फ्यूज मत होना उसने एक एक फ्लावर को किसने करा वायलेट में दूसरे को किसने करा इंडिगो में और तीसरे को ब्लू में एंड द विद द ग्रीन और जो पत्तियां थी उनको किसने करा उनको हरे कलर में वन विद द ऑरेंज और एक को ऑरेंज के साथ एंड वन विद द रेड और दूसरे को रेड के साथ बट शी लेफ्ट द येलो सो द सन में लुक ब्राइट एंड उसने सिर्फ येलो कलर छोड़ दिया और बाकी सारे रेनबो के कलर्स के फ्लास बना दी फल उनपे कलर कर दिया अब उसने येलो क्यों छोड़ा येलो उसने इसलिए छोड़ा क्योंकि सन का कलर कैसा होता है येलो वेरी गुड सन का कलर होता है येलो उसमें उसने लेफ्ट छोड़ दिया और उसने क्या करा उसने सोचा सन जब ये देखेगा तो वो बहुत ज़्यादा चमकेगा और गे जी ए वाई गे का मतलब होता है हैप्पीनेस खुशी और उसे बहुत ज्यादा खुशी होगी एंड लो यहाँ पे जो लो वर्ड है इसका मतलब होता है अरे जैसे आप लोग कहते हैं अरे ये तो ऐसा हो गया अरे ये तो वैसा हो गया एंड लो देर आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑल ओवर द गार्डन ऑल ओवर मतलब होता है पूरे उसमें तो वहां पे बहुत सारे पूरे बगीचे में बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से फ्लावर्स थे फूल थे द सन अप वॉज देयर शाइनिंग इन इट्स येलो ग्लोरी सन जो था जब वो शाइन कर रहा था ग्लोरी होता उसकी महिमा उसकी बहुत शाइनिंग वाली में सन वहाँ पे बहुत तेज चमक रहा था और बहुत अच्छा शाइन कर रहा था और वो सारे फ्लावर्स बहुत प्यारे लग रहे थे आफ्टर गिविंग कलर्स टू द फ्लावर्स एंड द सन और जब वो कलर्स सन को और फ्लावर्स को मिल गए रेनबो से द रेनबो वॉज गॉन और फिर उसके बाद रेनबो चला गया सबसे नीचे वाली पिक्चर में देखिए सारे कलर्स के फ्लावर्स बटरफ्लाईस बर्ड्स और सन है लेकिन रेनबो जा चुका है तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या देखा एक रेनबो था और एक गर्ल थी आनंदी जो ड्रीम कर रही थी सपना देख रही थी रेनबो का और फिर उसने सारे फ्लावर्स को रेनबो के कलर से पेंट कर दिया एक्सेप्ट येलो कलर को छोड़ के क्यों क्योंकि उसे सन का कलर येलो था जिससे सन को खुशी मिलती और वो ज़्यादा ब्राइट होता सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर आनंदी रेनबो